मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नए वीडियो को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट रेजोनेंस के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। रेजोनेंस के बहुत सारे टीचर ने कोचिंग से अलग होकर अपनी एक नई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली है, जिसका नाम उन्होंने रिलायबल रखा है। जब जी मेन का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था तो इन्होंने पेपर में आया था कि रेजोनेंस रिलायबल है, और तब तो किसी को भी नहीं पता था कि रिलायबल नाम की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही, कोचिंग के टीचरों के द्वारा की जा रही है। रेजोनेंस की स्थापना 2001 में की गई थी। रेजोनेंस के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा कि पेपर में लिखा है कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी और इन्होंने अदर कंपनी से टाई अप किया था, इसलिए इनकी हालत ख़राब हो गई थी। टीचरों को पेमेंट नहीं मिला था, अंदर ही अंदर बहुत से टीचरों में खटपट चल रही थी और सभी टीचरों ने मिलकर एक नई कोचिंग बना ली, जिसका नाम इन्होंने रिलायबल रखा। स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में हैं। रिलायबल के सर ने कहा है कि जिन बच्चों का ट्वेल्थ में एडमिशन हो गया या जिन्होंने एडमिशन कर लिया है, वो फ्री शिफ्ट दिखाकर कोचिंग कर सकते हैं, और रेजोनेंस ने कहा है कि वे नए टीचर मंगाएंगे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए दुविधा का समय है वो किधर जाएँ। मैंने एक दो स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने कहा है कि जो उनके टीचर जिधर पढ़ाएंगे वे उधर जाएंगे, चाहे वो रेजोनेंस में हो या फिर रिलायबल में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।